नगर पालिका परिषद कुम्हारी ने थर्ड जेंडरों का मान बढ़ाया है। कुम्हारी स्थित नव निर्मित आश्रय स्थल में उनके लिए एक कमरा आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा अंतर्गत आने वाले कुम्हारी नगर पालिका परिषद में एक नया आयाम रच दिया है। ये पालिका पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र पालिका बन गई है जहां नवनिर्मित आश्रय स्थल में थर्ड जेंडरों के लिए भी ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है। वही थर्ड जेंडरों के लिए एक अलग कमरा निर्धारित कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन की सदस्य कंचन सेंद्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यह प्रदेश का पहला आश्रय स्थल है जिसमें थर्ड जेंडर के लिए अलग से रूम की व्यवस्था की गई है। और काफ़ी लंबे समय से थर्ड जेंडर की ये मांग रही है कि थर्ड जेंडर के पास ना ही तो आवास होता था और ना ही रोजगार, और छत्तीसगढ़ सरकार का जो पहल है वो काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ सरकार से। और हमारी ये अपेक्षाएँ हैं कि सरकार जितने भी जो जॉब निकाल रहे हैं उस पर थर्ड जेंडर को भी रिजर्वेशन के हिसाब से उन्हें जॉब दे, और जितने भी स्कीम्स हैं चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है, अटल आवास है, बॉम्बे आवास है, उस आवास में भी 2% का रिजर्वेशन के हिसाब से थर्ड जेंडर के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम 5 लोग हैं जो सर से मिलने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी से। यहाँ हम आपको बता दें कि इस आश्रय स्थल का लोकार्पण शनिवार को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। इसमें कुल 5 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और उन कमरों में से 5 में से 10 बिस्तर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही किचन में खाना बनाने की व्यवस्था भी यहाँ पर बखूबी की गई है। ग्रैंड एसी न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।